I think, yes, first results everybody, because it's a result oriented game. But जो एक एटमॉस्फेयर होता है स्पेशली हारने के बाद, कि हारने के बाद क्या होता है कि हारने के बाद ना सब लोग आई थिंक दे स्टार्टेड मेकिंग ग्रुप्स कि भाई हम बैटिंग की वजह से हारे, हम बॉलिंग की वजह से हारे, हम फील्डिंग की वजह से हारे. बट आई ऑलवेज फील कि बैटिंग इज़ अ पार्ट ऑफ योर टीम. So he always say one thing: you lose as a team, you win as a team, and that's right. ठीक है कि ये दो अलग अलग डिपार्टमेंट हैं कि आप बॉलिंग अच्छी कर रहे हो यार, आप बैटिंग अच्छी कर रहे हो, बट एक में भी कुछ अच्छा नहीं हुआ तो आप एज अ टीम ही हारोगे. आप ये नहीं बोलोगे कि बैटिंग ने अच्छा किया या बॉलिंग ने अच्छा किया. हाँ, मतलब दोनों ही कंपोनेंट्स है. तो ये सब मेरे को ऐसा लगता है कि बाहर के लोगों के लिए अच्छा है कि हाँ भाई हमारी बॉलिंग तो बहुत अच्छी है और हमारी बैटिंग नहीं चल रही, बट बैटिंग भी तो हमारी है, किसी और की थोड़ी ना. आई थिंक इफ यू वांट टू ब्लेम, ब्लेम एवरीवन, नॉट ओनली वन पर्सन. सो आई थिंक दैट्स समथिंग आई रियली लाइक अबाउट रिकी, कि ही ब्रिंग्स लॉट ऑफ कंपोजर इन द टीम. ठीक है कि हम हारे भी, ही जस्ट ऑलवेज से दैट यस इट्स अप टू मी, आई एम द कोच, आई एम टेकिंग द ब्लेम. सो ही इज नॉट saying कि भाई मैं साइड में जा रहा हूँ, यू गो, यू टेक समवन एल्स और इधर उधर, नहीं. He said yes, we lost.